उसके लिए हम देखेंगे एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो मल्टीपल देखेंगे 6 और 12 के मल्टीपल कौन कौन से, 6 के मल्टीपल आते हैं जैसे 6 के बाद उसका मल्टीपल आता है 12 में कोल डाल दी हमने, 12 के बाद उसका मल्टीपल आता है 18 में कोल डाल दी उसके बाद 24, तो टोटल उसके मल्टीपल हो गए 6 12 18 24। उसके बाद 12 के मल्टीपल देखेंगे, 12 का फर्स्ट मल्टीपल आता है 12, उसके बाद अगला मल्टीपल आएगा 24। फिर हम चेक करेंगे कि किस क्लास में मैक्सिमम नंबर होगा, तो हम जब देखेंगे तो 6 में 1 मोर होगी 18, 12 में 2 मोर होगी और 24 में 2 मोर है तो मैक्सिमम नंबर होगा, लेकिन हमने लिस्ट निकालना है, सबसे छोटा नंबर है, तो 12 और 24 में सबसे छोटा नंबर है 12, तो 12 में 2 मोर है तो एलसीएम निकलता है 12। इस तरीके से हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, वैसे ही हम एचसीएम फाइंड आउट करेंगे तो एचसीएम भी जैसे दो नंबर, लेकिन एचसीएम में क्या देखेंगे हम फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो एचसीएम जैसे निकालना है 5 और 10 का, तो 5 का फैक्टर देखेंगे कौन कौन सा होता है, 1 एक फैक्टर होता है और 5 एक फैक्टर होता है 5, तो 1 और 5 दो फैक्टर हो गए 5 के, वैसे 10 का देखेंगे 10 के भी 10 के फैक्टर कौन कौन सा होगा, 1 होगा उसके बाद नंबर आएगा 5 और उसके बाद आएगा 10, ये और 1 2 5 और 10 ये टोटल फैक्टर हो गए 10। तो जब हम देखेंगे कि किस वो क्लास में मैक्सिमम नंबर होगा, देखेंगे कि 5 में मैक्सिमम नंबर होगा तो इन दोनों का 5 और 10 का जो एचसीएम बनेगा वो क्या बनेगा 5, जिस क्लास में मैक्सिमम नंबर होगी वही उसका फैक्टर होगा, और इसमें देखना आपने हाईएस्ट कॉमन